जनपद बहराइच से बड़ी खबर। थाना दरगाह शरीफ एवं एसओजी सविलांस जनपद बहराइच। एसओजी सविलांस एवं थाना दरगाह शरीफ पुलिस के संयुक्त प्रयास से सनसनीखेज हत्या का खुलासा। दो नफर अभियुक्त गिरफ्तार। दिनांक 30 जनवरी 2024 को थाना दरगाह शरीफ अंतर्गत ग्राम महराज गांव थाना दरगाह शरीफ निवासी तसब्बर अली पुत्र मलहूमिया की हत्या टोल प्लाजा के पास सपना राइस मिल के पीछे कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना दरगाह शरीफ में MO/00037/2024 धारा 302 IPC बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया बहराइच श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा घटना के सफल अनावरण हेतु तत्काल टीमों का गठन किया गया एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री रामानंद कुशवाहा व क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजीव सिसोदिया के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक श्री हरेंद्र कुमार मिश्र थाना दरगाह शरीफ के नेतृत्व में SOG सविलांस टीम व थाना दरगाह शरीफ पुलिस टीम द्वारा अथक परिश्रम से ज्ञात हुआ कि मृतक तसव्वर अली रुपये ब्याज पर दिया करता था तथा मृतक के द्वारा अभियुक्त निजामुद्दीन को 30,000 रुपये ब्याज पर दिए गए थे, जिसको वापस लेने के लिए मृतक द्वारा लगातार अभियुक्त पर दबाव बनाया जा रहा था, किंतु अभियुक्त रुपये वापस नहीं करना चाह रहा था। मृतक के द्वारा लगातार तगादा किए जाने के कारण अभियुक्त ने अपने साले इकरामुद्दीन के साथ मिलकर हत्या करने की नियत से तसब्बर अली को पैसे वापस करने के बहाने टोल के पास बुलाया तथा पास में ही सपना राइस मिल के पीछे ले जाकर हथौड़ी से पीछे से सिर पर वार करके हत्या कर दी, जिसके उपरांत अभियुक्त गण शव को घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गए। इस अज्ञात पटना का अनावरण करते हुए थाना दरगाह शरीफ एवं SOG टीम द्वारा निजामुद्दीन पुत्र भाईलाल उर्फ हबीज अहमद निवासी दुलारपुर थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच व इकरामुद्दीन पुत्र फकीर मोहम्मद निवासी नागरौर थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच को कैलाश होटल के आगे गल्ला मंडी रोड से गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त खूनालूद कपड़ा व आला कतल हथौड़ी बरामद की गई। जनपद में हुई सनसनीखेज हत्या की घटना का सफल अनावरण कर सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को श्रीमान पुलिस अधीक्षक बहराइच द्वारा उत्साहवर्धन हेतु 5,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया। भारत न्यूज चैनल से खास रिपोर्ट अब्दुल नासिर। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थाना दरगाह शरीफ के क्षेत्रांतर्गत महाराज गांव के एक निवासी तसव्वुर अली का शव सपना राइस मिल के पीछे पाया गया, जिसका संज्ञान लेते हुए तत्काल 302 का मुकदमा थाने में पंजीकृत किया गया था। इसकी विवेचना आरंभ की गई, विभिन्न टीम्स इस पर काम कर रही थी और विशेष रूप से थाना दरगाह शरीफ की टीम और SOG की टीम ने एडिशनल SP सिटी और CO सिटी के कुशल नेतृत्व में 2 ही दिन में इसका बेहतरीन खुलासा किया है। और जो फैक्ट सामने आए हैं उसमें ये पता लगा है कि जो मृतक तसव्वुर अली थे वो ब्याज पे पैसे का लेन देन का काम करते थे और जो अभियुक्त है मुख्य अभियुक्त निजामुद्दीन नामक 30 वर्ष का व्यक्ति है जिसने उनसे 30,000 रुपये लोन पे ले रखे थे और वो पैसा वापस करना नहीं चाह रहा था और जो मृतक है वो बार बार पैसा वापस करने के लिए दबाव बना रहे थे, जिसके कारण इसने उनको ख़त्म करने का प्लान बनाया और अपने साले इकरामुद्दीन के सहयोग से सपना राइस मिल के पीछे ले गया पैसा वापस करने का बहाना बना के और वहाँ पे पीछे इन दोनों ने हथौड़े से सिर पे वार कर उनकी हत्या कर दी और इनके घर की शर्ट से जो खून से लदे हुए मैले कपड़े हैं वो भी बरामद हो गए और घटनास्थल से आला कतल भी बरामद हो गया। दोनों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेजा गया।